Morning, everybody. We are going to start the exercise 6.3, right? The question number first is that what could be the possible oneness digit? Oneness digit means the end digit, right? The unit place. We can say that oneness digit or unit place of a given number, right? So the square root of each of the following number. तो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है? तो स्क्वायर है, अगर मैं अच्छे से बताता हूँ थोड़ा बेसिक। अगर मैं एक का स्क्वायर लिखूँ तब भी मुझे यूनिट डिजिट मुझे एक मिलेगी, और अगर मैं नाइन का स्क्वायर लिखता हूँ तब भी मुझे यूनिट डिजिट वन मिलेगी, ठीक है? और कोई अगर बाकी की कोई डिजिट अगर उसका स्क्वायर करने पर हमें वन नहीं मिलेगा, ठीक है? बस दो ही ऐसे नंबर है, एक वन और एक नाइन, जिसका स्क्वायर करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर जो भी नंबर मिलेगा हमें उसका यूनिट प्लेस में कितना मिलेगा, वन। जैसे कोई भी मेरे पास नंबर, जैसे 11 है, ठीक है, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे स्क्वायर जो मिलेगा नंबर उसका वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट मुझे वन मिलेगा। जैसे 19 है, 19 को मैं स्क्वायर करूँगा तो 361, यानी स्क्वायर जो नंबर मिलेगा, ठीक है, उसका यूनिट प्लेस वन है। ये कब है? जब भी किसी नंबर का एंड डिजिट क्या है, या तो वन होगा या नाइन होगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि या तो डिजिट वन होगी या फिर नाइन होगी। सेकंड है कि सिक्स कब आएगा, आप चेक कर सकते हो। एक से आप 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Yes. अगर एक का अगर अगर वन का स्क्वायर करते तो वन मिलता है, टू का स्क्वायर करते 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते तो 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करते 16 मिलता है, 5 का स्क्वायर करते 25, 6 का स्क्वायर करते 36, एंड 7 का स्क्वायर करते 49, एंड 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, एंड 9 का स्क्वायर करता हूँ तो मैं 81। तो यहाँ से आप देखोगे कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिल रहा है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिल रहा है। एक तो 4 है और एक 6 है, जहां पर आपको कि उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या है, इस जो भी स्क्वायर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस 6 होगा। तो कहने का अर्थ है अगर कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट या तो फोर है या फिर 6 है, कोई भी नंबर अगर उसका स्क्वायर करेंगे तभी हमें क्या है, 6 मिलेगा यूनिट प्लेस पर। तो ये जनरली क्या है कि हमें स्क्वायर रूट पूछा गया है, यानी ये स्क्वायर है जो गिवन स्क्वायर है और हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हम वही काम कर रहे हैं, इस साइड का ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है इस साइड का। तो आप चेक कर सकते हो, बस दो नंबर मिला है सर, 2 और 1 6 और एक 4 और एक 6 मिला है, जिसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेफिनेटली यूनिट प्लेस पर स्क्वायर नंबर में 6 मिलेगा। अब यहां देखिए इसका जो फर्स्ट का जो रिजल्ट था वही इसका हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पर हमें 1 मिल रहा है। तो ये सिर्फ दो केस मिलता है, या तो नंबर्स की जो लास्ट डिजिट 1 होनी चाहिए या फिर 9 होगी। तभी मैंने जैसे 11 और 19 का एग्जांपल दिया था क्योंकि वहां पर स्क्वायर के एंड में हमें 1 मिल रहा है। अब यहां देखते हैं कि 5 जो स्क्वायर नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर नंबर के आकार यूनिट प्लेस यानी वंस डिजिट अगर 5 है तो डेफिनेटली जो गिवन नंबर होगा, ठीक है, उसका भी आपका लास्ट डिजिट 5 होगा। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 15, 25, तो अगर इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो एंड डिजिट हमें 5 मिलेगी। सिर्फ 5 एक ऐसा नंबर है, 5 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 5 मिलेगा, मतलब एंड डिजिट क्या है, 5 मिलेगी। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका अगर स्क्वायर करें तो हमें जो भी स्क्वायर मिलेगा उसके में जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो 5 मिलेगी, कोई नहीं है ऐसा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड है
कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि कोई भी अगर नंबर है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है तो उसके एंड में हमें क्या मिलेगा, 2, 3, 7 और 8, ये चार नंबर हमें मिलेंगे। और कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है, यानी कि कोई भी अगर नंबर ऐसा है जो कंप्लीटली स्क्वायर नहीं है तो उसके एंड में हमें ये चार डिजिट मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसका एंड डिजिट क्या है, 3, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका एंड डिजिट क्या है, 7, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका 1 है ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर मे और मे नोट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नोट। लेकिन हम कोई भी अगर नंबर है जिसका अगर एन डिजिट अगर क्या है, एन डिजिट अगर 2, 3, 7 और 8 में से है, कोई भी 2, 3, 7, 8 में से है, तो हम देखकर हम बता सकते हैं कि वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये नंबर विच हैव अ वंस प्लेस 2, 3, 7, 8 दैट शुड बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।